गुरुग्राम से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश शर्मा के पक्ष में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि बीजेपी के राज में गुरुग्राम में विकास के कई नए आयाम स्थापित हुए और यही कारण है कि आज गुरुग्राम लगातार विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी मुकेश शर्मा गुरुग्राम के एक युवा प्रत्याशी हैं और यही कारण है कि विकास में तेजी लाने में उनकी अहम भूमिका रह सकती है। नितिन गडकरी ने इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल लोगों को गुमराह करती है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी मुकेश शर्मा के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के आने से उन्हें मजबूती मिली है और गुरुग्राम के विकास को भी पंख लगेंगे। हमारे सरकार ने इस दिल्ली को बदल दिया, गुड़गांव को भी बदल दिया और काम करने की भी आवश्यकता है। दिल्ली से डेहराडून 9 घंटे लगते थे, अब दिल्ली से डेहराडून अगले जनवरी में 2 घंटे में होगा, हवाई जहाज बंद होगा। राजस्थान के अंदर हमारा मेयर दिखता है, इसी तरह से गुड़गांव के अंदर जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे गुड़गांव का उद्धार नहीं होगा। और इस चीज के लिए हमारे को पूंछ लाने वाले नहीं चाहिए, हमारे को आप लोगों के हक की हकूक मांगने वाले चाहिए। 25 साल के संघर्ष के बाद हमें टिकट मिली अब की बार, और ये टिकट जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी, ये उस कार्यकर्ता को आपने टिकट दिया है जिसका 25 साल का संघर्ष है, रात दिन मेहनत की है। माननीय नितिन गडकरी जो हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं, जब वो हमें द्वारका रोड द्वारका एक्सप्रेस वे दे सकते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे दे सकते हैं, तो मान्यवर मेरी एक डिमांड है, गुड़गांव बहुत जाम से परेशान है, आप हमें एलिवेटेड रोड दे दे तो हमारा गुड़गांव का उद्धार हो जाएगा।